आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप एक फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। सर्च में जाएंगे, सीएमडी टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि हम यूज़र्स के लिनोवो फोल्डर में हैं अभी। ठीक है, तो अब हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा, यहाँ देखते हैं क्या गौरव नाम की कोई फाइल है हमारे पास, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस नाम की हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, तो अब हम वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे किसी भी नाम की एक नई फाइल बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले copy कॉपी लिखेंगे, स्पेस con कौन लिखा, स्पेस अपनी फाइल का नाम देना है। सपोज मेरी फाइल का नाम है गौरव, तो मैंने यहाँ अपनी फाइल का नाम दिया और एंटर प्रेस कर देना। अब ये देखिए यहाँ आपके पास वाइट कर्सर टाइप का ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप अपना कोई भी टेक्स्ट देंगे जो आप अपनी फाइल में सेव करना चाहते हैं। सपोज मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग CMD। ठीक है, अगर आप और भी लाइंस ऐड करना चाहते हैं या अपने कोई नोट्स टाइप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड में आपको क्या करना है, Ctrl+Z करके एंटर कर देना है। तो देखिए आपकी वन फाइल कॉपी हो चुकी है। वो हम देख लेते हैं हमारी फाइल क्रिएट हुई है या नहीं, तो हम देखते हैं क्या हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। यस, ऑफ कोर्स हमारी गौरव नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या हमारा इसमें लिखा हुआ है जो हमने लिखा था। तो ये मैंने ओपन किया, तो हाँ हमारी वही लाइंस लिखी हुई हैं जो हमने अपनी CMD में टाइप की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग CMD। फाइन, अब आपको एग्जिट करना है, मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट बंद करना है, तो आप EXIT लिखकर एंटर करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज हो जाए।